तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बर्स्ट मूवी जो कि किसी फ्रेंचाइजी की थर्ड पार्ट थी। मेरे कहने का मतलब यह कि इसके पहले दो पार्ट बहुत ज्यादा सही थे, जिसके बाद हमारे को थर्ड पार्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पर वो बहुत ही ज्यादा बेकार निकली थी। सो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके कर दीजिए। सो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे बागी 3। टाइगर श्रॉफ को फेम और पॉपुलैरिटी इसी के पहले पार्ट से मिली थी, जो कि काफी अच्छी मूवी थी, जिसके बाद हमारे को इसका सेकंड पार्ट देखने को मिला जो कि ठीक ठाक था, पर हमारे को इसके थर्ड पार्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जिसमें हमारे को फिर से एक बार टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर की जोड़ी देखने को मिलने वाली थी, जो कि इसके दूसरे पार्ट में नहीं थी। पर बागी 3 को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन ऐसा कुछ था, पैसा बर्बाद पहन। हमारे को इस मूवी में श्रद्धा कपूर की भी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है। वहीं ये मूवी हमारे को बागी 2 की एक सस्ती सी कॉपी लगती है, जो कि बिल्कुल ही डल स्टोरी के साथ देखने को मिलती है। पर वहीं बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो वो हमारे को पहले भी कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, इस मूवी में वो हमारे को बहुत ही ज्यादा बेकार देखने को मिले थे, पर फिर भी इस फ्रेंचाइजी के मेकर रुके नहीं, इसका हमारे को फोर्थ पार्ट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। नंबर 9 पे धूम 3। धूम फ्रेंचाइजी हमारे बचपन का प्यार है, जिसका थर्ड पार्ट हमारे को कुछ खास देखने को नहीं मिला, पर फिर भी लोग आस लगा के बैठे कि हमारे को धूम 4 देखने को मिलेगी। ऑडियंस बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी है धूम 4 से, जिसका हमारे को अनाउंसमेंट भी सुनने को नहीं मिल रहा, पर हमारे को आए दिन धूम 4 पे कोई ना कोई रूमर जरूर सुनने को मिलता है, पर उस पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज बात करते हैं धूम 3 के बारे में। धूम 3 से ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लोग सोच के बैठे थे कि ये मूवी 1000 करोड़ जरूर कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे, जिसकी मेन वजह थी धूम 2, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। हमारे को ऋतिक रोशन देखने को मिले थे, वही हमारे को थर्ड पार्ट में देखने को मिलने वाले थे आमिर खान। आमिर खान के इस मूवी में होने की वजह से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी, पर ये मूवी कहीं से भी इसके पहले दो पार्ट के जैसे बिल्कुल भी नहीं निकली, जिसकी मुझे मेन वजह लगती है इस मूवी के डायरेक्टर का चेंज होना। इस मूवी को डायरेक्ट किया विजय कृष्ण आचार्य ने, जिन्होंने तीनों मूवी को लिखा जरूर है, पर उन्होंने डायरेक्ट किया सिर्फ धूम 3 को। इसके पहले दो पार्ट को डायरेक्ट किया था संजय गादमी ने, पर उनको थर्ड पार्ट से हटा दिया गया था। नंबर 8 पे स्ट्रीट डांसर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा ये मूवी एक फ्रेंचाइजी का पार्ट है। जी हाँ, ये ABCD फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट है, जिसको फिर से डायरेक्ट किया था रेमो डिसूजा ने। ABCD में हमारे को लीड में देखने को मिले थे प्रभुदेवा, और वही ABCD 2 में हमारे को लीड में देखने को मिले थे श्रद्धा कपूर, वरुण धवन एंड प्रभुदेवा। पर बात करें स्ट्रीट डांसर की, तो हमारे को वरुण धवन और श्रद्धा कपूर लीड में देखने को मिलते हैं, पर प्रभुदेवा बिल्कुल ही गायब लगते हैं इस मूवी से। वही इस मूवी की स्क्रिप्ट भी बहुत ही यार बेकार थी, वहीं डायरेक्शन की बात करें तो वो भी हमारे को कुछ खास देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से ये मूवी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जो इसके पहले दो पार्ट ने डाला था। पर इसका भी फोर्थ पार्ट आ रहा है, जो कि हमारे को 2025 में देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पे मर्डर 3। इस मूवी के आने से पहले जब लोगों को ये पता चला था कि रणदीप हुड्डा हमारे को इमरान हाशमी की जगह पे देखने को मिलेंगे, तो कुछ लोगों को यही चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी, जिसके बाद पता ये चला कि फीमेल लीड होने की वजह से इमरान हाशमी ने इस मूवी के लिए मना कर दिया है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया डिसीजन निकला। ये मूवी इसके पहले दो पार्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इमरान हाशमी तो इस मूवी से बच गए, पर ये फ्रेंचाइजी नहीं बच पाई, ये मूवी एक डिजास्टर निकली थी, क्योंकि इस मूवी की डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और स्टोरी बहुत ही ज्यादा वीक देखने को मिली थी। पर इस मूवी के सॉन्ग हमारे को इसके पहले दो पार्ट के जैसे ही सुनने को मिले थे, जो कि आज भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर 6 पे दबंग 3। तो सलमान खान का करियर इस समय भी वैसे ही चल रहा था जैसा आज चल रहा है। लोगों ने सोचा था कि 3 से उनका कमबैक हो जाएगा, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे प्रभुदेवा। प्रभुदेवा ने सलमान खान का पहले भी एक बार कमबैक करवाया था वांटेड मूवी से, जिसकी वजह से लोगों को लगा था कि वो फिर से एक बार कमबैक करेंगे इस मूवी से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था, पर लोगों को उम्मीदें थी इस मूवी से, पर ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार निकली। पर फिर भी ऑडियंस इसका फोर्थ पार्ट देखना चाहती है, क्योंकि ऑडियंस को इसका पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। नंबर 5 पे सरकार 3। इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देख के लोगों को पता चल गया था ये मूवी कुछ खास होने वाली नहीं है। वही इस मूवी के मेकर्स ने भी उस लेवल की प्रमोशन नहीं की, क्योंकि उनको भी पता चल गया था ये मूवी कुछ खास होने वाली नहीं है। ये मूवी कहीं से भी रामगोपाल वर्मा के डायरेक्टर मूवी नहीं लग रही थी। हमारे को इस मूवी से वो कल्ट क्लासिक वाइब नहीं है जो इसके पहले दो पार्ट से आया था। नंबर 4 पे यमला पगला दीवाना 3। इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हमारे को तीनों देओल देखने को मिलते हैं, जिसमें बॉबी देओल, सनी देओल एंड धर्मेंद्र देओल। पर अभी तक ये ट्रियो हमारे को सिर्फ दो मूवी में अच्छी लगी है, जिसमें अपने और यमला पगला दीवाना 1। बात करें यमला पगला दीवाना फिर से की, तो ये एक रिबूट था जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लोगों ने इस मूवी को देख के सिर्फ ये बोला इसकी क्या जरूरत थी, ये बिल्कुल ही बेकार थी, जो कि बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं थी। इस मूवी को क्या सोच समझ के रिबूट बोला जा रहा था, वो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। नंबर 3 पे क्या कूल हम 3। ये फ्रेंचाइजी एक अडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी है, जिसका पहला पार्ट हमारे को ठीक देखने को मिला था, दूसरा थोड़ा सा क्रिंज हो गया, और तीसरा बिल्कुल ही क्रिंज देखने को मिला था। ये मूवी बहुत ही ज्यादा क्रिंज थी, जो बिल्कुल भी देखने के लायक था, वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने इस मूवी के लिए अपने पॉकेट मनी इकट्ठी की थी और इस मूवी को देखने गया था एयरलिफ्ट मूवी को छोड़ के। अगर कोई मुझे बोले इस मूवी को फ्री में देखने के लिए, तब भी मैं ये मूवी बिल्कुल भी ना देखूं। मैं फिर से एक बार बोलूंगा ये मूवी कहीं से भी देखने के लायक था, बिल्कुल भी नहीं थी। नंबर 2 पे ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी का हाल भी पिछली मूवी की तरह था, जिसका पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था,
दूसरा थोड़ा सा क्रिंज हो गया, जिसके बाद तीसरा तो बिल्कुल ही क्रिंज देखने को मिला था। मस्ती ही वो मूवी है जिसके बाद हमारे को बहुत सारे एडल्ट कॉमेडी मूवीज देखने को मिली थी, पर इस मूवी के मेकर्स ने ज्यादा दिखाने के चक्कर में इसके दूसरे और तीसरे पार्ट को बिल्कुल ही क्रिंज करके रख दिया। पर क्रिंज होने के बावजूद भी इसके दूसरा और तीसरे पार्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रही थी बॉक्स ऑफिस पे, जिसकी वजह से हमारे को इसका फोर्थ पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। बस अब भगवान से प्रार्थना है वो मूवी भी क्रिंज ना हो। नंबर वन पे रेस 3। रेस 1 और रेस 2 ही वो मूवीज है जो कि इंडियन कमर्शियल सिनेमा को एक लेवल ऊपर ले गई थी। इन दोनों मूवी में हमारे को सैफ अली खान लीड करते हुए दिखाई दिए थे, पर इसके थर्ड पार्ट में जब हमारे को सुनने को मिला कि सैफ अली खान को रिप्लेस करके सलमान खान को लाया जा रहा है, वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रेमो डिसूजा, और इसी के साथ इस फ्रेंचाइजी को एक नई स्टोरी लाइन दी गई है, तो लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सैफ अली खान को कैसे इस फ्रेंचाइजी से निकाल दिया गया है। और वहीं डायरेक्टर भी चेंज थे जो कि थे रेमो डिसूजा, जिन्होंने इससे पहले फ्लाइंग जेट मूवी दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार मूवी थी, और इन सब वजह के कारण ये मूवी हर फैक्टर में बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इस मूवी को याद करना ही बहुत बड़ा पाप है। इस मूवी को क्यों बनाया गया आज भी समझ में नहीं आता, पर फिर भी आजकल सुनने में यह है कि इसका फोर्थ पार्ट देखने को मिलेगा जिसमें हमारे को सलमान खान और सैफ अली खान एक साथ देखने को मिल सकते हैं, पर ये सब अभी रूमर्स है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सो दोस्तों ये तो थी मेरी लिस्ट, अगर कुछ रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ यूज करना। मुझे कुछ कहना कुछ बताना मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतने ही, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।